हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में बताने आया हूँ कि अपडेट के बाद बहुत सारे पैनल्स वर्क करना बंद कर दिया गया है मोबाइल में। तो मैं एक न्यू पैनल लेकर आया हूँ आपके लिए, जो कि बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर भी है। और अगर आप इस पैनल को यूज करते हो तो ओनली रेड नंबर ही लगेगा, ठीक है। और मैंने इसे यूज भी किया है, बहुत ही अच्छे से वर्क भी करता है। और आप इसे अपने मेन आईडी में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप मेन आईडी में यूज़ करते तो आपका आईडी बिल्कुल सेफ रहेगा, बैन होने का बिल्कुल कोई संभावना है ही नहीं। आप इसको बहुत ही फ्रीली अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि आपका मोबाइल जो है लैग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपका मोबाइल लैग करता है तो हो सकता है कि आपका जो ये सेटिंग्स और ये जो एप्लीकेशंस है वो आपके डिवाइस में अच्छे से वर्क ना करें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो को जो लास्ट में आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन कौन सा है, पहले मैं उसकी सेटिंग बताऊंगा आपको कि कैसे आपको सेटिंग करना है इस एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस, सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेरेंस आपको दिखेगा। इसके अंदर कुछ सेटिंग्स करने हैं आपको, उसको ध्यान से देना होगा। तो सबसे पहले ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इसका जो परमिशन मांगेगा तो उसको आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। यहाँ पे सेटिंग्स पे आकर आपको ऐसे इस तरीके से आपको अलाउ करना है। और यहाँ जो भी नोटिफिकेशन है सब कुछ इसको अलाउ कर देना है, परमिशन में जो भी मांगे सब कुछ अलाउ कर देना है। इस एप्लीकेशन में बहुत सारे एड्स भी आपको देखते हैं। तो सबसे पहले इसके सेटिंग्स पे आएंगे। सेटिंग्स पे आने के बाद जो यहाँ पे 5 पॉइंट जो दिख रहा है 0, उस पर आपको करना होगा एनिमेशन स्पीड को कम करना होगा इस तरीके से, जैसे मैं कर रहा हूँ स्क्रीन पर दिख रहा हूँ। उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद ऊपर वाले सेटिंग्स पे आपको आना है। यहाँ पे आ रहे कस्टमाइज वाले पे। कस्टमाइज वाले पे आएंगे तो सबसे नीचे में आकर आपको ऐप ड्रावर दिख रहा हो, ऐप ड्रावर को ऐड कर देना है यहाँ पे। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप सब कुछ क्लियर हो चुका है। उसके बाद बैकग्राउंड जो भी है आपको सब कुछ उसको क्लियर कर देना है गाइस यहाँ से। एंड आपका जो यहाँ पे है ना एक आइकन आ जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है आईफोन टाइप का जो होता है वैसा आइकन आ गया। तो आपको इस पर क्लिक करना है इस तरीके से, इसको भी आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है, ठीक है। इस तरीके से मैंने अलाउ किया है। उसके बाद फिर ओपन करना, तो यहाँ पे ऐप ड्रॉवर होगा तो उस पर आपको आ जाना है। ऐप ड्रॉवर आने के बाद आपको इस तरीके से रेटिंग मांगना हो तो रेटिंग आपको दे जो मर्जी हो दे देना यूज़ करने के बाद। फिर यहाँ से आपको फ्री फायर को ओपन कर देना है। तो आपका गेम हो चुका है बिल्कुल तैयार, आपको बस इतना ही करना है। उसके बाद आराम से गेम खेल सकते हो। एंड आपका जब भी गेम खेलो तो रेड नंबर लगेगा ही। अगर आपको गेम रेड नंबर लगता है तो कमेंट में जरूर बताना। ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता भी है, मेरे लिए वर्क तो करा है और आपके लिए वर्क जरूर करना चाहिए। तो मैंने आपको वीडियो बनाकर बता दिया है। एंड गाइज, मैं इस ऐप का नाम बता दूं कि आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। एंड इस ऐप का जो नाम है असिस्टिव टच फॉर एंड्रॉयड। गाइज, आपको यहाँ पे एंड्रॉयड वाला जो सबसे ऊपर दिख रहा है आपको उसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने का ओपन करने के बाद आपको जो भी मैंने सेटिंग्स बताई है सारी सेटिंग्स आपको इसी ऐप के अंदर करनी है, ठीक है। एंड गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।